नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं कपलिंग ड्राइव पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले कपलिंग ड्राइव पार्ट 1 और कपलिंग ड्राइव पार्ट 2 मैं पढ़ा चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे कपलिंग ड्राइव, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आज फिर से बता रहा हूँ कि कपलिंग ड्राइव जो है पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति संचालन। डियर स्टूडेंट्स, ये पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत जितने भी साधन हैं उसमें भी एक साधन कपलिंग है। डियर स्टूडेंट, बात करेंगे कपलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कपलिंग को मैंने बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में भी। कपलिंग का ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, पावर को जब ट्रांसफर करते हैं तब उसमें बहुत बड़ा रोल है। ज्यादा डिस्टेंस पर, ज्यादा दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसफर करते हैं, तो कपलिंग का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कपलिंग के अंतर्गत, इसको लिख लीजिए हेडिंग। डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं डिसएंगेजिंग कपलिंग, लूज या लिख ले, लूज बोलते हैं, लूज या डिसएंगेजिंग कपलिंग। डिसएंगेजिंग कपलिंग इंग्लिश में लिख लें, लूज और लूज या डिसएंगेजिंग कपलिंग, ये होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये फ्री होता है, लूज होता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके नाम से ही पता है ये क्या होता है, ये फ्री हो जाता है और क्या होता है, मुक्त आकार, मतलब ये ड्राइवर जो शॉफ्ट होता है हमारा, चलते चलते क्या होता है, वो ड्रिवन से कनेक्ट भी हो जाता है और वो ड्रिवन से जो कनेक्ट रहता है और हट भी जाता है, मतलब ये चलते चलते क्या होता है, ड्राइवर ड्रिवन से क्या होता है, जोड़ कनेक्शन जोड़ लेता है, लेकिन ये क्या होता है, ये ड्राइविंग मोमेंट में ही, ड्राइविंग मोमेंट में ही क्या होता है, ड्रिवन को अलग भी कर देता है, उससे कनेक्ट भी हो जाता है और अलग भी कर देता है। तो डियर स्टूडेंट लिख लीजिए, इसमें ड्राइवर चलते हुए ड्रिवन से अलग हो जाता है, ड्रिवन से अलग हो जाता है तथा जुड़ भी जाता है, जुड़ मतलब कनेक्ट हो जाता है, जुड़ भी जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें क्या होता है, ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट जो होता है, चलते हुए चालू हालत में स्टार्टिंग पोजीशन में क्या होता है, वो उससे कनेक्ट भी हो जाता है और डिसकनेक्ट भी हो जाता है, तो ये किस में होता है, लूज या डिसएंगेजिंग कपलिंग में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके कई टाइप्स हैं, तो टाइप्स में लिख लेते हैं, तो लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट्स टाइप्स में फर्स्ट लिख लीजिए क्ला कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्ला कपलिंग, क्ला कपलिंग क्या होता है, डेशन इसमें क्ला बने होते हैं जो कि 3 या अधिक होते हैं, ठीक है। तो क्ला कपलिंग में जो इंपॉर्टेंट है, तो हम यहां लिखवा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां से, इसमें क्या होता है डेशन, इसमें क्ला कपलिंग में जो होता है, इसमें दोनों शाफ्ट के जो फ्लेंज होते हैं, लिख लें, इनमें दोनों शाफ्टों के फ्लेंजों पर 3 या
अधिक कला बने होते हैं, कला बने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो कला बने होते हैं तीन से अधिक, ये क्या करते हैं, आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ये कला बनाते हैं। तथा दोनों फ्लैंज मिलने पर, दोनों फ्लैंज और दोनों फ्लैंजों को मिलाने पर वे आपस में फिट हो जाते हैं, आपस में फिट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलें। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ऊपर ले दे रहा हूं इसको रख करके। तो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके दोनों फ्लैंजों में क्ला कपलिंग में जो होता है, दो फ्लैंज होते हैं, ठीक है डियर, क्ला कपलिंग इसमें क्या होता था, इसमें दो फ्लैंज, दो साफ्ट थे, साफ्ट पर फ्लैंज लगे होते हैं, वो फ्लैंज पे तीन या अधिक क्ला बने होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे मिलाने पर, मैचिंग कराने पर आपस में फिट प्रदान करते हैं, मतलब फिट हो जाते हैं, एक दूसरे में फिट हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हो गया क्ला कपलिंग। तो क्ला कपलिंग में कुछ बातें और है, इसमें एक फ्लैंज क्या होता है, सनकी के माध्यम से, क्या एक फ्लैंज होता है उस सनकी के माध्यम से, तथा दूसरा फ्लैंज फीडर की के माध्यम से क्या होता है, फिट होता है। तो लिख लें, इसमें एक फ्लैंज, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसमें एक फ्लैंज संघ की माध्यम से, संघ की जो की है ना कपलिंग में, हर एक कपलिंग किसी न किसी की के माध्यम से जुड़ा होता है, तो आपको की ध्यान रखना है, कौन सी कपलिंग में कौन सी की का प्रयोग हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फ्लैंज संघ की के माध्यम से तथा दूसरा फ्लैंज फीडर की के माध्यम से जुड़ा होता है, फीडर की के माध्यम से जुड़ा होता है, ये माध्यम से जुड़ा होता है। तो डियर स्टूडेंट, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतनी बातें नोट कर लें, फिर बात करेंगे डियर स्टूडेंट फ्लैंज को आगे पीछे खिसकाने पर क्या होता है, ठीक है, फ्लैंज को आगे पीछे खिसकाने के लिए इसमें क्या होता है, ग्रुप बना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ग्रुप क्यों बनाया जाता है। तो लिख लें, फ्लैंज को आगे पीछे खिसकाने के लिए, आगे पीछे खिसकाने के लिए ग्रुप बना होता है, ग्रुप ग्रुप बना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्ला कपलिंग के अंतर्गत जो भी बात बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स के बारे में, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट जा कपलिंग, क्या है जा कपलिंग, इसको बोलते हैं हिंदी में जा कपलिंग। देखो टेक्निकल वर्ड जो है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, आप लोग नेम बाय नेम लिखा करें, अगर जा कपलिंग है तो जा कपलिंग ही हिंदी में लिखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है डेसू। ये टेक्निकल वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे जबड़ा कपलिंग कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है, जबड़ा युग्मक कपलिंग मतलब क्या था, युग्मक जबड़ा युग्मक, लेकिन आपको युग्मक कहीं बहुत कमी देखने मिलेगा, आपको अधिकतर देखने मिलेगा जैक कपलिंग। तो यहां पर जैक कपलिंग जबड़ा युग्मक बात एक ही है, लेकिन आपको लिखना किसमें है, जैक कपलिंग के माध्यम लिखना है, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश में आपको देखने में जरूर मिल जाएगा, जो कि समझने के लिए आसानी होगा। इसमें लिख लें, इसमें क्या होता है, इसमें भी धीमी जो है हम रफ्तार में क्या प्रयोग करते हैं, कम स्पीड पर इसका प्रयोग करते हैं,
ठीक है डियर, फिर बात करेंगे, ये भी कला कपलिंग के समान ही होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर के जा में होता है, जा में क्या होता है, एक में क्या होता है, इसके रास्ते में एक में होल होता है और एक में क्या होता है, ग्रुप बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इतना थोड़ा बहुत अंतर होता है। बात करेंगे इसमें जो प्रयोग होता है वो फीडर की का प्रयोग होता है, जो साफ क्या करता है वो फिट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लिख लें, ठीक है, लिखें ये भी कला कपलिंग की तरह होता है, कला कपलिंग की तरह होता है। तो डियर स्टूडेंट इतनी बात आपने समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर चलें, ठीक है। फिर बात करेंगे डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया इसके जो शाफ्ट होते हैं वो फीडर की के माध्यम से फिट होते हैं। देख लिए, ये भी फीडर की, जैसे फीडर के प्रयोग कर रहे थे इसमें, इसमें जा कपलिंग में, तो ये देख लिए, ये भी फीडर की के माध्यम से फिट किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। जो इसमें जा कपलिंग में साफ है तुम्हें होगा वो भी फीडर की के माध्यम से फिट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं फीडर की क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स फीडर की एक कपलिंग को कनेक्ट करने की एक की होती है, जो कि आप चाबी घाट बोलते थे, की वे की क्या होती थी, चाबी होती थी। तो चाबी का प्रयोग करते हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए दोनों शाफ्टों को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। इसका प्रयोग कम गति के लिए किया जाता है मैंने बताया, लेकिन ये क्या होता है, ये दोनों दिशाओं में वर्क करता है। जबकि क्या होता है, जबकि कला कपलिंग क्या करती थी, एक दिशा में वर्क करती थी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलें और नोट बनाते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए, ये दोनों दिशाओं में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमने बताया था ये क्या होती, दोनों दिशाओं में इसको चलाया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन जो कला कपलिंग थी उसको एक दिशा में चलाया जाता था, ये इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों दिशाओं में चलाया जाता है, या लिख लो इसे, लिख लो यहां पर इसे दो दिशाओं में चलाया जाता है। तो इतनी बात इंपॉर्टेंट है। फिर जबकि कला कपलिंग को एक ही दिशा में चलाया जाता है, एक ही दिशा में चलाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट। कला कपलिंग की तुलना में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलाया जाता है। डियर स्टूडेंट एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कहां से पुट अप कर दे, ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। डियर स्टूडेंट्स हम अपनी तैयारी से साथ जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे, तो हमें भरोसा सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मात्र 10 सेकंड में आंसर देंगे। डियर स्टूडेंट्स 10 सेकंड ज्यादा अगर लग रहा है तो आपका पढ़ना, आपका समझना, आपका समय देना क्या मतलब निकलेगा, क्या वैल्यू है उसका, यह आपको आकलन जरूर करना चाहिए। आपको 10 सेकंड में आंसर देना है, ऐसा तभी हो पाएगा जब आप थ्योरी सही तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद एमसीक्यू सीरीज चलाई जाएगी, उसको सही से पढ़ लेंगे, तब तक एग्जाम जब तक आएगा तब तक हम लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे और काफी कुछ कवर कर चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स साथ पकड़ लीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बोलता हूं सबसे पहले आप क्या काम करें, हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको हर हरकत हर जानकारी से आप अपडेट हो पाए और आपको सारी जानकारी मिल पाए। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगता है तो आप उस क्वेश्चन को फेसबुक पर शेयर करें या टेलीग्राम पर शेयर करें, वहां पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि जा कपलिंग और कला कपलिंग इसमें ज्यादा खास अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है इसके जा में, ठीक है, वो मैंने बता दिया, ये वर्क कैसे करता है, दोनों दिशाओं में चला जाता है, और कला कपलिंग को ओनली सिंगल डायरेक्शन में चला जाता है। तो इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लें आप। नेक्स्ट है
तीसरा इसको बोलते हैं सेफ्टी और स्लिप टाइप कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी और स्लिप टाइप कपलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सेफ्टी क्या है, सेफ्टी ये होता है ड्राइवर शाफ्ट चलते हुए ड्रिवन शाफ्ट से स्वयं से अलग हो जाता है, इसीलिए इसमें सेफ्टी है। तो इसको लिख लीजिए सेफ्टी, हिंदी में लिख लें पहले फिर इंग्लिश में लिख लें, सेफ्टी अथवा स्लिप टाइप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग। सेफ्टी सेफ्टी और स्लिप टाइप कपलिंग, स्लिप टाइप, ठीक है। तो इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलें। तो इसमें लिख लें, इसमें टार्क फोर्स, इसमें टार्क फोर्स क्या होता है, टार्क फोर्स स्प्रिंग तथा जा से, स्प्रिंग तथा जा के घर्षण से अधिक होता है, घर्षण से अधिक होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इसमें ड्राइवर शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट से स्वयं से अलग हो जाता है, देख लें, इसमें ड्राइवर शाफ्ट ड्रिवन से स्वयं ही अलग हो जाता है, स्वयं ही अलग हो जाता है, यही सेफ्टी है ना डेस्ट। क्या होता है ड्राइवर शाफ्ट जो होता है ड्रिवन से स्वयं से अलग हो जाता है, यही सेफ्टी है, स्वयं ही अलग हो जाता है मतलब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये होता है सेफ्टी तथा स्लिप टाइप कपलिंग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आपको क्वेश्चन कभी देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, हो सकता है कि UPRVNL की तैयारी कर रहे हैं आप, बोरिंग टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हैं, इसरो की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको तैयारी कंप्लीट करना है, सटीक नॉलेज कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, यही हमारा मोटो है और इसी पे हम काम करते हैं और इसी पे आपको भी काम करना है, सटीक नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज आपको लेते रहना है और आपको एग्जाम क्रैक करते रहना है, ठीक है। जिसमें आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ जाना है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा इस वीडियो आप आज बराबर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर बात करेंगे, थर्ड नंबर आ जाएगा, जैसे कि हमने लूज और डिसएंगेजिंग के बारे में पढ़ लिया, पहला था हमारा क्या था रेशन जो फर्स्ट था, आपको याद है, यदि आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, उसको बोलते थे फास्ट एंड रिजिड टाइप कपलिंग। फिर सेकंड था लूज आर क्या होता था, डिसएंगेजिंग टाइप कपलिंग। फिर बोलते हैं तीसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है रेशन। मैं तीनों बारे में बता चुका हूं, आपने अगर नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जाके देख ले, फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है डेस्ट, ये सेंटर जो होता है अगर मिस अलाइनमेंट है तब भी हमारे इस कपलिंग में एक्यूरेसी मिल जाती है, या जो आप बोल सकते हो कि टॉलरेंस जो होता है इसमें अधिक होता है, तो इसका हम यूज वहां करते हैं जहां पर मिस अलाइनमेंट है। लंबी दूरी पर हमको टार्क को ट्रांसमिट करना है तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज कर लेंगे। जैसे कि आपने थ्रेसर में देखा होगा, ट्रैक्टर के द्वारा क्या करते हैं, थ्रेसर में जो कपलिंग का यूज करते हैं, तो डियर स्टूडेंट वही तो है कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग। उसमें यूनिवर्सल कपलिंग जो आता है ना, फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप कपलिंग, कई प्रकार की कपलिंग होती है। तो हमें कपलिंग के बारे में जानना है, इसके टाइप्स के बारे में जानना है और इसका यूज कहां होता है ये भी जानना है। तो लिख लें डिशन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी दूरी क्या होती है, एक सीध में नहीं होती, जो इसका सॉफ्ट होता है एक सेंटर में नहीं होता, मैं बता चुका हूं पहले ही, इसीलिए फ्लेक्सिबल बोलते हैं। लिख लीजिए इसमें सॉफ्ट एक सीध में नहीं होता है, एक सीध में नहीं होता है, एक सीध में नहीं होता है,
ठीक है इश्यूज। फिर बात करेंगे ये क्या होता है, सॉफ्ट एक चीज में होता है, मतलब मिस अलाइनमेंट होगा तब भी हमारा चल जाएगा। अलाइनमेंट क्या होता था हमने बताया था स्टूडेंट्स, ये अलाइनमेंट वो होता है जिसका सेंटर इसका सेंटर इसके सेंटर से मैच करे, लगभग कुछ टॉलरेंस दिया जाता है जो कि दशमलव में होता है, ये तो उतना टॉलरेंस रहेगा तब जाके उसको अलाइनमेंट बोलेंगे, ठीक है। और मतलब सेंटर को मैच कराना वही अलाइनमेंट होता है, ठीक है। एक सॉफ्ट का दूसरे सॉफ्ट के सेंटर से मैचिंग कराते हैं उसे अलाइनमेंट होता है। इसमें क्या होता है अगर सॉफ्ट हमारा एक इस तरह है और एक यहां पर है लेकिन मिस अलाइनमेंट है, तब भी हम क्या होता है हम कपलिंग के माध्यम से कनेक्ट करा लेते हैं और हम टायर को जो होता है जो पावर को ट्रांसमिट कर लेते हैं और अपना जो इफिशियंसी होता है वो काफी हद तक हमें पॉजिटिव मिलता है, जो कि बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल कपलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेशन मैक्सिमम यूज भी किया जाता है इसी का, लिख लें डेशन इसका प्रयोग मोटर कार या मशीनों में किया जाता है। किसमें इसका प्रयोग मोटर कार तथा मशीनों में किया जाता है। डिएशन मशीन में क्यों करते हैं, मोटर कार में क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं मिसअलाइनमेंट देखने को मिलता है, तो वहां पर हम लोग मशीनों में भी यूज करते हैं और मोटर कार में भी यूज करते हैं। तो डिएशन चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जानते हैं इसके टाइप के बारे में, टाइप के बारे में जान लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा डिश टाइप कपलिंग होता है, फ्लेक्सिबल डिश टाइप कपलिंग। तो लिख लें फर्स्ट फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप कपलिंग, डिस्क टाइप कपलिंग या डिस्क कपलिंग। फ्लेक्सिबल डिस्क कपलिंग फ्लेक्सिबल डिसकपलिंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका प्रयोग जो होता है डिस्टेंस वो हम क्या करते हैं ड्राफ्ट फोर्स के माध्यम से या कास्ट आयरन से बनाते हैं। तो डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें इसके फ्लैंज कास्ट आयरन से बनाया जाता है, कास्ट आयरन से बनाया जाता है, ठीक है। डेस्ट इतना बात इंपॉर्टेंट है, इसका जो होता है फ्लेंज क्या होता है कास्ट आयरन से बनाते हैं और ड्राफ्ट फोर्ज की मेथड से भी बनाते हैं। ड्राफ्ट फोर्ज क्या होता है, लोहार गिरी देखा है आपने, ब्लैक स्मिथ को देखा है, वो क्या करता है वो हथौड़े से चोट मारता है, पहले लोहे को गर्म करता है, गर्म करने के बाद निहाई पर रखकर हथौड़े से चोट मारकर निश्चित आकार में ढाल लेता है या बना लेता है। डेस्ट इसके फ्लेंज क्या होते हैं कास्ट आयरन से बनाया जाता है तथा इसके फ्लेंज को ड्राफ्ट फोर्ज विधि से बनाया जा सकता है, फ्लेंज को ड्राफ्ट फोर्ज विधि से बनाया जा सकता है, ठीक है। डेस्ट इसको क्या होता है इसके फ्लेंज को ड्राफ्ट फोर्ज विधि से बनाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे इसके जो होता है यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए यूनिवर्सल कपलिंग। इसमें भी क्या होता है डेफ, इसमें भी जो दोनों साफ होते हैं उसकी धुरी होती है वो एक सीध में नहीं होती है, क्या होता है यूनिवर्सल कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम तर इसका यूज करते हैं, इसमें काफी एक्यूरेसी भी है और मिसअलाइनमेंट को भी ये एडजस्ट कर लेता है। तो डेस्ट लिख लें यूनिवर्सल कपलिंग, यूनिवर्सल
कपलिंग। तो इसमें लिखने पेशेंट क्या होता है, मैंने बताया आपको ये एक ऐसा कपलिंग जहां दोनों शाफ्ट एक सीज में नहीं होते हैं, ये 30 डिग्री के कम कोण पर होते हैं। इसमें इसका प्रयोग प्रयोग जहां जहां शाफ्ट 30 डिग्री के कम कोण पर होते हैं या मिलते हैं, कम कोण पर मिलते हैं में किया जाता है, में किया जाता है। ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया इसमें क्या होता है, क्रॉस साइड जो होते हैं विपरीत साइडों में होते हैं, पिन लगी होती हैं। तो ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलें। इसमें या इस कपलिंग में, इस कपलिंग में शाफ्ट के क्रॉस साइड में, शाफ्ट के क्रॉस क्रॉस साइड में, साइडों में विपरीत विपरीत पिन का प्रयोग किया जाता है, पिन या की का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, क्रॉस साइड होता है डिशन, जैसे कि हमने बताया आपको, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं, क्रॉस साइड में हम सेंट्रल क्रॉस पीस में क्या होता है, डिशन विपरीत साइडों में पिनों द्वारा क्या करते हैं, उसको फिट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विपरीत साइड में, ठीक है, मैं एक डायग्राम के माध्यम से दिखा दूंगा जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगा। लेकिन यूनिवर्सल कपलिंग आप जानते हैं कि यूनिवर्सल कपलिंग ऐसे करके ऐसे कुछ होता है, ठीक है, यहां से इसी प्रकार फिट होता है, क्रॉस में होता है। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम के माध्यम से शो कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा और आप समझ भी जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं, चाहे फिटर के हों या इलेक्ट्रिशियन के हों, उनके लिए बराबर अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी दिग्गज टीचरों के माध्यम से, जो कि आपके सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर को यहाँ पर रखा गया है, इसलिए कि आपको अपने आने वाली परीक्षा में पूर्ण अंक अर्जित करना है और सफलता लेके मानना है, सफलता लेके रहना है, क्योंकि अब बगैर सफलता के जीना बेकार है। जिस प्रकार जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार आपको लाइफ काटने के लिए एक नौकरी की जरूरत पड़ेगी, यकीन मानिए। और नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो आप उस काबिल, उसके हकदार नहीं है। जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, उसको पूर्ण करने का आपको पूर्ण अधिकार है, और उसको पूर्ण तभी कर पाएंगे जब सही दिशा में काम करेंगे, सही प्रकार से तैयारी करेंगे और ठीक से पूरी ईमानदारी से काम करिए। जिस प्रकार हम पूरी ईमानदारी से नोट्स बना रहे हैं और आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसी प्रकार आप भी कॉपी कलम उठाइए और नोट करते चलिए, इसको बराबर वाच करते रहिए। एक बार वाच करिए, दो बार वाच करिए, तीन बार वाच करिए, जब तक दिमाग में फिट ना हो जाए तब तक हमें पढ़ते रहना है। डियर स्टूडेंट, मात्र 6 महीने की मेहनत हमें कई सालों तक हमें आगे ले जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको एक दिन पसंद आया होगा, और मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।